अस्सलाम वालेकुम, क्वालिटी टाइम विद रुबाब में खुश आमदीद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के बाईस जहाँ पर तमाम मार्केट्स बंद हो गई हैं, वहीं पर जो है वो ब्यूटी पार्लर्स को भी जो है वो बंद कर दिया गया है। लेकिन सिनफे नाजुक ईद पर तैयार ना हो, पार्लर्स ना जाएं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अगर तैयारी नहीं होगी तो खूबसूरत कैसे दिखेंगी। इसके लिए सिनफे नाजुक ने एक नया हल निकाला है कि ब्यूटिशियंस को घर बुलाना है और मुख्तलिफ सर्विसेज लेनी है। यहाँ पर मैं एक फैमिली के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने ब्यूटिशियन को घर बुलाया है, और देखते हैं कि वो कौन कौन सी सर्विसेज ले रही हैं। आइए फिर चलते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको बताया कि होम सर्विसेज ली जा रही हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेशियल किया जा रहा है, साथ साथ कटिंग करवाई जाएगी, मैनीपेडी होगा और कोई यहाँ पर थ्रेडिंग करवाएगा, क्योंकि ईद पर सबसे खूबसूरत दिखने के लिए सिर्फ नाजुक अगर पार्लर ना जाएं ये जो नहीं हो सकता। अब जबकि पार्लर नहीं जा रही तो घर को इन्होंने पार्लर बना लिया है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है वो मेहंदी भी लगाई जा रही है। हिना के रंग अगर हाथों पर नहीं सजेंगे तो हाथ बहुत फीके फीके लगेंगे। यहाँ पर जो खवातीन मेहंदी लगवा रही हैं, हम उनसे जानते हैं कि चांद रात की तैयारियाँ और ईद की तैयारियाँ कैसे जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं, ईद की शॉपिंग हो गई? जी हो गई। लॉकडाउन भी हो गया ना, उससे पहले हमने कर ली। अच्छा, यहाँ पे आज आप होम सर्विसेज ले रही हैं, पार्लर बंद हो गए, तो मतलब फिर मुश्किल हुई ब्यूटीशियन को बुलाने? नहीं, मुश्किल तो नहीं हुई, क्योंकि ईद साल में एक दफ़ा आती है। हमने सोचा कि हम पार्लर वाली को घर पे ही बुला के सारी सर्विसेज करवा लेते हैं। मैंने तो मेहंदी लगवा ली है, बाकी फेशियल भी हो रहा है, थ्रेडिंग भी हो रही है, मैनीपेडी भी हो रहा है। बताएं कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी आपका तो काम का नुकसान हो गया होगा, तो अब किस तरह से मैनेज कर रही हैं? जी, हमें लॉकडाउन की वजह से बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि यही हमारे काम के दिन थे। तो हम लोगों ने सोचा कि हम होम सर्विसेज दें और हम घरों में जाके, तो हम ये क्या नाम है, ये हम सर्विसेज दे रहे हैं, बालों की, फेशियल की, मेहंदी की। अच्छा, जब आप मतलब घरों में जाके सर्विसेज दे रही हैं, तो वहाँ पर तो आपके पास वो पार्लर वाली सारी सहूलतें नहीं, तो उसके लिए कोई मसाइल पेश आ रहे हैं आपको? जी, मसाइल तो पेश आते हैं, लेकिन यही हमारा काम के दिन थे, तो हमने भी ईद कमानी थी, इस वजह से हमने होम सर्विसेज दी। ये तो है जी, देखा कि आपने, खवातीन जो हैं वो तो खासी खुश हैं, क्योंकि उनका काम तो जो है वो हो रहा है, होम सर्विसेज ली जा रही हैं, जबकि ब्यूटीशियन को कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। उनके काम के दिन थे, ईद कमाने के दिन थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से खासा नुकसान हो रहा है। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।